हेलो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मान निकालिए, यहाँ पे दिया हुआ साइन 18 डिग्री बटा में कोस 72 डिग्री। अब इसका हमें मान निकालना है, ठीक है। इसको सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम सेम यहाँ पे उतार देते हैं। अब हमने यहाँ पे एक फार्मूला पढ़ चुके, उसको हम लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। अब इसी फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज करके इसको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रश्न में था उसको सेम यहाँ पे उतार देते हैं, बराबर देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं साइन कितना है, 18 डिग्री है, ठीक है। तो साइन यहाँ पे लिखते हैं, अब 90 में से कितना घटाएंगे ताकि यहाँ पे 18 डिग्री आ जाए। तो साइन की जगह हमने यहाँ पे साइन लिखा। अब 18 के बदले हम यहाँ पे 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, यानी 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों यानी सेम है, 18 के बदले हम 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 72 अज्ञात से हम कैसे लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं 72 दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है, 72 जो कि यहाँ पे हम डायरेक्टली बैठा दिए, क्योंकि हमें पता है 90 में 72 को माइनस करेंगे तो 18 आएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे साइन 90 माइनस 72 लिखेंगे और बटा में जो यहाँ पे सेम है इसको सेम यहाँ पे उतार देंगे, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस 72, यहाँ पे देख सकते हैं 90 की जगह 90 है, यहाँ पे थीटा की जगह केवल क्या 72 है, ठीक है, यानी 72 है। यहाँ पे बराबर है तो यहाँ बराबर लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कोस थीटा है, यहाँ पे कोस लिख दिए, यहाँ पे क्या थीटा है देख सकते हैं, आप ध्यान देंगे यहाँ पे थीटा और थीटा जो यहाँ पे 72 है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 72 करेंगे, ठीक है। कोस की जगह कोस लिख दिया और थीटा की जगह हमने यहाँ पे 72 लिखा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते थीटा जो यहाँ पे 72 दिया हुआ, ठीक है। यानी साइन 90 माइनस 72 बराबर कोस 72, ठीक है। अब नीचे में क्या पहले कोस 72 है, ये दोनों क्या हुआ एक बार में कट गया, दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ पे बराबर 1 आ गया। यानी साइन, ठीक है, 18 डिग्री बटा में कोस 72 डिग्री को जब हम सॉल्व करेंगे यानी मान निकालेंगे तो 1 आएगा, 1 जो आ गया ये हमारा आंसर हो गया। तो अब लिखते हैं आंसर, ठीक है। अब इसका आगे पढ़ाएं हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।